कॉन्फिडेंट ये वाली है। इसमें मैंने येलो कलर देखा था, मुझे बहुत पसंद है, पर दो और कलर लिखे तो मैं ये वाली कलर ज्यादा पसंद है, मैंने ले लिया। आप देखो ये स्कर्ट और टॉप का सेट है और इसमें ना जो ब्लाउज है ना टॉप, ये आपको फुल्ली स्टिच मिलती है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लगा है, साइड से इसमें कट भी है, बैक साइड प्लेन है इसकी और नीचे आपको आई थिंक स्कर्ट मिलती है। डिजाइनिंग है पूरे पे चिकनकारी वर्क किया गया, सीक्वेंस का काम है, प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ है गाइस, जितना हेवी इस पे वर्क है ना। एंड ये आपको फ्रंट स्लीट का कुर्ता है, कहीं से भी कुछ भी दिखता नहीं है, आराम से आप लोग इसको वेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है एंड पूरे पे सीक्वेंस का आपको हेवी वर्क है। इसके नीचे आपको स्कर्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए बहुत सुंदर पैटर्न है। सीक्वेंस का जो कलर है ना आपको इस तरीके से रोज गोल्ड कलर है, बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रहा है। बैक में भी आपको हेवी सीक्वेंस का काम मिल जाता है, हाफ जो है वो आपको प्लेन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको डोरी पैटर्न दिया गया है। एंड स्लीव्स की डिजाइनिंग देखिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, फैब्रिक क्वालिटी भी वर्थ है गाइस। अंदर में आपको पैड भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पैडेड एंड ये आपको पैडेड कुर्ता है, सो कम्प्लीटली आपको इसमें लहंगा दिया है। कलर जो है ना ये पिंक में भी ऐसा पिंक होता है ना, लाइट लेवेंडर कलर, एकदम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वाला पिंक, वो वैसा वाला कलर है। एंड ये देखो आप पूरा सीक्वेंस का काम मिल जाएगा, आपको हेवी सीक्वेंस का वर्क मिलता है स्कर्ट के ऊपर, सेमी स्टिच है, साइड से स्टिच कराना पड़ेगा। लुक एट द डिजाइनिंग, बहुत सुंदर सी डिजाइनिंग है इसकी, फ्लेयर भी इसका काफी अच्छा है एंड पूरा आपको सीक्वेंस का वर्क मिलता है। जॉर्जेट फैब्रिक में है ये एंड इसमें आपको इनर का कपड़ा भी मिल जाता है एंड स्कर्ट है ना स्टिच नहीं है, उसे आपको स्टिच करवानी पड़ेगी अपने साइड में। तो ये बहुत ही सुंदर सी आउटफिट है, बहुत ही सुंदर गाउन है, बहुत ही प्यारी लग रही है। फुल गाउन पे आपको सीक्वेंस के वर्क मिलेंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों में ही आप देख सकते हो। सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसे आप जरूर ट्राई करना। ये थी गाइस मेरी आज की।